अब जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि राजस्थान के अंदर 5 शहरों को 6 वंदे भारत एक्सप्रेस दी गई हैं, जिनमें से दोस्तों जयपुर एकमात्र ऐसा शहर है जिसे 2 वंदे भारत एक्सप्रेस अलॉट करवाई गई हैं। आने वाले 2 सालों में जो है जयपुर के पास में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस होने वाली हैं, जिनको अभी निर्धारित नहीं किया गया है कि किस रूट से वो जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें हैं उनका संचालन यहाँ पर किया जाएगा। बाकी के दोस्तों जो 4 शहर यहाँ पर बचते हैं उन्हें एक एक वंदे भारत एक्सप्रेस दी गई हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 6 वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ पर दे दी गई हैं। अब आगे हम लोग बात करें तो एक जो वंदे भारत है श्रीगंगानगर से लेकर के दिल्ली वाया भटिंडा वाला, जो मैंने आप लोगों को पहले एक वीडियो में बताया है, ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ये अलॉट करवा दी गई है। कई सारे आर्टिकल और डॉक्यूमेंट्स के अनुसार मैं आपको बताऊं तो भटिंडा जींद जाखल जींद रोहतक के रास्ते ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है ये नई दिल्ली तक जाने वाली है। वहीं अब दूसरी बात ये है कि अलवर के सांसद जब श्री रेल अभी रेल मंत्री जी से जब मुलाकात करके आए तो वहां से भी एक जो बात है वो निकल करके आई है कि दिल्ली से जयपुर के बीच में एक वंदे भारत एक्सप्रेस चलने वाली है। अब मैं आप लोगों को इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं कि शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों को जो है काफी जल्दी वंदे भारत एक्सप्रेस के जो रेक हैं वो रिप्लेस करने वाले हैं। अब जो तीसरा रेक जो निकल करके आया है 1-12 अगस्त को, वो अभी हाल फिलहाल में चंडीगढ़ पहुंच गया है ट्रायल के लिए, यानी कि अब बहुत जल्द इसका भी ट्रायल यहां पर किया जाएगा। आगे हम लोग बात करें तो ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है इसको वेस्टर्न रेलवे को सौंप दिया गया है, जो कि दिल्ली से अहमदाबाद, सॉरी दोस्तों मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलने वाली है। अब हो सकता है कि गांधीधाम शताब्दी एक्सप्रेस को रिप्लेस कर दिया जाए, नहीं तो दोस्तों हो सकता है एक चेयर कार ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है इसी को यहाँ पर संचालित किया जाए। अब 75 वंदे भारत एक्सप्रेस जो है निकलने की तैयारी जो यहाँ पर इसी साल में है वो यहाँ पर चल रही है। अब देखने वाली बात यह है कि श्रीगंगानगर वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उसको तो कम से कम अभी 1.5 से 2 साल का समय यहां पर जाने वाला है, जब तक इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जो है यहां पर पूरा नहीं हो जाएगा तब तक तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो उसका संचालन यहां पर नहीं होगा। इसके बाद में अब यहां पे अगर अलवर में भी यहां पर जो हॉल्ट की बात चल रही है, यानी कि दिल्ली से जयपुर के बीच में तो एक ना एक वंदे भारत एक्सप्रेस है, तो हो सकता है राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस अजमेर शताब्दी को रिप्लेस करे, या फिर हो सकता है दोस्तों कि दिल्ली से उदयपुर के बीच में भी जो मैं आप लोगों को बता रहा था वो वंदे भारत यहां पर हो सकती है। पूरे पूरे चांसेस यहाँ पर बनते हैं कि दिल्ली से उदयपुर के बीच में एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया जाएगा, क्योंकि उन 5 शहरों में से एक उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन भी ऐसा है जिसको यहाँ पर एक वंदे भारत एक्सप्रेस का रेक अलॉट करवाया गया है। वहीं हम लोग बात करें तो जयपुर या अजमेर से भी दोस्तों यहाँ पर चलाई जा सकती है। जयपुर को यहाँ पर 2 जो वंदे भारत के रेक मिले हैं, अब 300 किलोमीटर के डिस्टेंस में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करना तो जायज़ नहीं है, तो हो सकता है कि जयपुर से दिल्ली से आगे की ओर या फिर जयपुर से कटरा वाया दिल्ली लुधियाना एक ट्रेन का संचालन किया जा सकता है। ऐसा भी किया जा सकता है कि जयपुर से इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस के जो बारे में यह जो बात चल रही है जो दूसरा रेक है उसको इस रूट पे चलाया जा सके। आप लोग भी अपना जो ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में जरूर से दे सकते हैं कि आखिर कौन कौन सा वो रूट हो सकते हैं जयपुर से कि जिनसे इस ट्रेन को चलाया जाएगा, क्योंकि अजमेर दिल्ली के बीच में तो एक शताब्दी या हो सकता है दोस्तों जन शताब्दी एक्सप्रेस जो चल रही है दिल्ली से अजमेर के बीच में वाया रिंगस उसको भी यहां पर रिप्लेस किया जा सके। हो सकता है शताब्दी को यहां पर रिप्लेस किया जा सके, क्योंकि कोटा जन शताब्दी एक्सप्रेस जो हजरत निजामुद्दीन तक संचालन किया जा रहा है जिसका, उसको भी यहाँ पर रिप्लेस करने की जो बात है यहाँ पर निकल करके आ रही थी, लेकिन वहीं अपोजिट साइड में कोटा वडोदरा वंदे भारत की भी यहाँ पर बातें चल रही थी। अब मोस्टली चांसेस बन जाते हैं कि दिल्ली उदयपुर और वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उसको यहाँ पर संचालित किया जा सकता है। तो राजस्थान की पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो हो सकता है कि दिल्ली से उदयपुर के बीच में संचालित हो सके। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट जरूर से कर लेना, ताकि इस चैनल पर आने वाले हर अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। मिलते हैं अभी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।